नमस्कार, मैं आपके साथ हूँ रविंद्र कुमार, फेलिसिटी टीवी बागपत से। और आज हम आए हैं सोनीपत, हरियाणा के सोनीपत शहर में। यहाँ के पर सबसे हॉट सीट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं। यहाँ पर उनके सामने खड़े हैं रमेश कौशिक, जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं। आइए, इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला बताया जाता है। और मैं भी इसलिए यहाँ पर आया हूँ क्योंकि इन दोनों का सर्वे लेकर आया हूँ, और इन दोनों से कौन सोनीपत से बाजी मारेगा, कौन अपनी जीत दर्ज करेगा, यही जानने के लिए हम आज आए हैं सोनीपत सीट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रमेश कौशिक के बीच के लिए ये चुनाव। और हम आपको बताते हैं, करते हैं सर्वे इसी शहर का, और आपको लेकर के आएंगे इस सर्वे में क्या दिखाया जाता है, जनता किसके साथ खड़ी है, किसको सांसद बनाएगी और किसको हार का मुख दिखाएगी। ये हॉट सीट है, यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व सीएम रह चुके हैं हरियाणा के, उन्हीं की सीट है। और यहाँ पर मैं जनता के कुछ लोगों के बीच में बैठा हूँ। यहाँ पर देखो ताश खेल रहे हैं लोग, और कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हैं। आज ये मैं उनसे ही जानना चाहता हूँ कि अब की बार क्या माहौल बना है यहाँ का सोनीपत में, किसको जिता रहे हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम नंदू है। तो अब की बार किसको दे रहे हो वोट? मैं वोट जो काम करेगा उसको देंगे। अब की पिछली बार किसने काम किया? पिछली बार यहाँ कोई काम नहीं आया, जो सांसद थे उनको यहाँ का दौरा ही नहीं लगता था। तो कौन से यहाँ पे सांसद पिछली बार? सांसद यहाँ से रमेश कौशिक। अब किसे जिता? रमेश कौशिक और भूपेंद्र सिंह हुड्डा में यहाँ पर टक्कर हम जीत वोट देंगे जो काम करेगा उसको। किसे दे रहे हो अब की बार किसको चुनोगे, किससे काम कराओगे सोनीपत का विकास? अब की बार जो विकास का काम करेगा और जो नारा देगा उसी के साथ हैं। किसके साथ हो बोलो भाई, किसके साथ हो? भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब बीजेपी को चुन रहे हो या फिर रमेश सिंह कौशिक को चुन रहे हो? हम भारतीय जनता पार्टी को चुन रहे हैं उसके साथ। अजाज सिंह। तो अब की बार किसे चुन रहे हो? हम बीजेपी को ही चुन रहे हैं। बीजेपी को चुन रहे हो या फिर रमेश कौशिक को चुन रहे हो? जो सांसद बीजेपी को। बीजेपी को क्यों चुन रहे हो? बीजेपी को क्या आप ऐसा है बीजेपी में कि बीजेपी को क्यों चुना है? करप्शन जो खत्म करी है वही पार्टी कर रही है। पार्टी कर रही है या पार्टी का सर्वोच्च पे कौन है यहाँ पर बीजेपी में? क्या पसंद है बीजेपी में? कौन ऐसा व्यक्ति है बीजेपी के अंदर जिसके वजह से आप बीजेपी से जुड़े हो? मोदी के व्यापक है साहब। सब हाँ जी बिल्कुल मोदी। भ्रष्टाचार जो नौकरी करते थे नीचे से लोग, गरीब तबके को तो पता ही नहीं लगता था, मजदूर आदमी को, पढ़ा लिखा इंसान रह जाता था, पैसे दे के लोग लग जाते थे। जिसके पास टैलेंट है, मैं बीए कर चुका हूँ, ये बीएड है, और आज हम यहाँ खाली बैठे मिस्त्री टायर पिंचरा काम कर रहे हैं। तो टायर पिंचर करो, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी चोर है, चौकीदार। मैं आपसे एक बताता हूँ, आज के एक हेडलाइन आई थे व्हाट्सअप फेस, उस पर क्या लिखा रहा क्या कि एक बच्चा जो है वो कुरकुरा ले रहा है, और जो कुरकुरा खा रहा है तो वो कहता है जो बच्चे का कुरकुरा खा गया तो वो देश को क्या छोड़ेगा, वो देश को भी खा जाएगा, चाहे उसमें कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जो बच्चे को नहीं छोड़ रहा वो उसको भी खा जाएगा। हम तो ये सीधे बीजेपी को वोट देंगे खुलम खुला। सुने बीजेपी को, वो काम इतने बढ़िया कर रहे हैं। यहाँ पर रमेश सिंह कौशिक, उनके सामने पूर्व सीएम खड़े हैं भूपेंद्र सिंह, ऐसा 10 साल उसको दे दिए थे, उन्हें कुछ नहीं करे सोनीपत। अब वो सोनीपत आने के टिका है, क्या लेके जा, कुछ नहीं खा लिया जाएगा। मैं जी आपका, मेरा सुभाष चंद शर्मा, हम मोदी जी को वोट देना चाहते हैं, मोदी जी के कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहते, हम मोदी को वोट देना चाहते हैं। पहले मतलब कांग्रेस के राज में सिलेंडर नहीं मिलते थे, 15-15, 20-20, 6-6 महीने हो जाते थे सिलेंडर नहीं मिलते थे, और भी कई लाइनों में खड़े होकर के हम बिल जमा कराते पानी का, जैसे बिजली का हो गया। मोदी जी जब से आए हैं इन्होंने इतनी सुविधा कर दी है कि अपने मोबाइल से भी मतलब बिल भर सकते हैं। आप पूर्व भोजी हो, पूर्व भोजी हो, और जो बताया जाए सेनावर्ती जो है वो उनसे कुछ जो सैनिक हैं वो खपा है, जो रिटायरमेंट जो सैनिक है पूर्व सैनिक है वो पेंशन के लेकर के खपा थे। उन्होंने भी पूर्व था रिवाड़ी में, पहले उनकी मीटिंग हुई थी, उन्होंने पहले ये शब्द बोला था कि एक रैंक एक पेंशन हम करेंगे, पर अभी ये 5 साल गुजरे हैं इनमें, आने वाले 5 साल में पक्का 100% करेंगे, हो जाएगा। अच्छा, भूपेंद्र सिंह को हुड्डा को क्यों नहीं चुना? ये अब मैं कुछ बोल नहीं सकता, मतलब ये पार्टी ऐसी है कि ये मतलब बोलती है कि खाओ और खाने दो, कांग्रेस पार्टी ऐसी है। और मोदी पार्टी वेल एंड गुड, ना खाओ ना खाने दो। जितने चोर दे सारे रो है बैठे बैठे, कल की मारे हैं, मर गए रहे। हम आए हैं सोनीपत की सीट पर, यहाँ पर सबसे हॉट सीट है क्योंकि यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला बिल्कुल टक्कर का है।
और दोनों कांटे की टक्कर पर दोनों प्रत्याशी हैं, एक है रमेश कौशिक और दूसरे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस से। हाँ जी, आपकी बात किसे? ऐसा ही है, हमारे ब्रिजा साहब हैं, ये बताएंगे आपको बहुत बढ़िया ढंग से। हाँ जी, आपकी बार किसे चुन रहे? मोदी 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 जो मोदी यहाँ प्रत्याशी रमेश कौशिक प्रत्याशी को नहीं वोट मोदी को। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम रह चुके हैं। हाँ कोई बात नहीं, ये चुनाव प्राइम मिनिस्टर का है ना कि सीएम का, तो उसके लिए सिर्फ मोदी। हाँ जी, आपकी क्या राय है? भाई देना तो चाहते हैं मोदी को ही, क्योंकि ये जो हमारे बनेंगे सीएम तो ये तो फिर जब सीएम बनने चलेंगे फिर सीट हो जाएगी खाली, फिर क्या करेंगे जी। तो बीजेपी चाहते हैं मोदी को, लेकिन अभी पूरा मन नहीं बनाया, अभी देखेंगे आगे किसको मन बनाते हैं। क्यों नहीं बनाया मन? अभी देखेंगे भाई, कैंडिडेट आने दो, सब कुछ आने दो भाई। क्या अभी कैंडिडेट? हाँ जी, भाई हम देंगे कांग्रेस को और मोदी को यूँ नहीं दें। अब उसने केजरीवाल को परेशान किया है बार बार में, उसको इतना परेशान कर रखा है, लेकिन केजरीवाल का यहाँ जीतने की पोजीशन में नहीं, इसलिए हम कांग्रेस को देंगे। केजरीवाल का भी तो गठबंधन है जज्बा से। कोई बात नहीं, वो हम उसको देंगे जो मोदी की उसको हराता हो, जो मोदी प्रत्याशी को हराएगा। हाँ उसको देंगे हम, कांग्रेस को देंगे। अच्छा, केजरीवाल को मोदी ने परेशान किया, दिल्ली में काम नहीं करने दिया। मैं किसी पार्टी को नहीं देख रहा, मैं कैंडिडेट को देख रहा हूँ। कैंडिडेट कौन? हुड्डा। हुड्डा जी दो बार सीएम रह चुके हैं और उसका कैंडिडेट का स्टेटस जो बाकी जो जो कॉम्पिटिटर है उनसे बहुत ऊपर है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सोनीपत के लिए वो कुछ बेटर कर पाएंगे। तो अच्छा, मोदी मोदी जादू चल रहा है, मोदी मैजिक चल रहा है, तो भाजपा क्यों चलाया? किसने बता? मीडिया ने। अच्छा, तो आप दोबार मोदी को नहीं? देखो मैं यहाँ पे मोदी को नहीं देख रहा, ना मैं बीजेपी ना कांग्रेस को देख रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि जो बंदा जो है दो बार यहाँ का सीएम रह चुका है हरियाणा का, अगर वो इस ज़िले से अगर चुना जाता है तो वो इस ज़िले के लिए क्या कर सकता है। तो जब फिर क्यों पिछली बार क्यों हार गए? हाँ जी, सत्ता से बाहर। देखिए पब्लिक जो है परिवर्तन तो चाहती जाती है, 10 साल कांग्रेस की सरकार के बाद जो पिछली बार जो मीडिया में हवा बनाई गई थी उसके तहत तो हम लोगों ने भी उस टाइम पर मोदी जी को ही चुना था कि ठीक है कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। तो मोदी सरकार से नाराज़गी क्यों आप? हाँ जी, मोदी सरकार से क्या नाराज़गी आप? हर फ्रंट के ऊपर ही है। देखो ले दे के 5 साल के बाद ये जो चुनाव जो है ये राष्ट्रवाद के मुद्दे पे और वो बस इसी देशभक्ति के ऊपर आ गया। ले दे के असल जो आम पब्लिक का जो मुद्दा था, चाहे वो रोज़गार का था या जो काले धन का था, उनको तो छुआ भी नहीं जा रहा किसी को। तो नए मैनिफेस्टो की बीजेपी को ज़रूरत नहीं थी, अगर वो अपना पिछले 2014 का मैनिफेस्टो दोबारा पढ़ देते ना तो वो एज इट इज सारे के आगे क्रॉस ही लगा मिलता। अभी उसमें से ही काम नहीं हुए, नए मैनिफेस्टो की ज़रूरत नहीं थी, बस यही। थैंक यू। तो हम आए हैं सोनीपत की सीट पर, यहाँ पर कुछ लोगों से हमने जाना और बने रहे हमारे साथ, और आज हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने रमेश सिंह कौशिक जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं। आइए हम इसी समीकरण को और इसी सर्वे को लेकर आए आज सोनीपत की सीट पर और आपको लेकर चलते हैं और बने रहे हम पत के स्वामी विवेकानंद चौक पर। और यहाँ पर चौक पर देखे बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग जुड़े हैं और यहाँ पर ताश का खेलना बहुत ज़्यादा चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैं कई पॉइंटों पे गया वहाँ पे ताश चल रही थी। तो यहाँ पर ताश क्यों खेले जाते हैं? अपने मनोरंजन के लिए। गुदर को क्या करेंगे भैया? अपने गुदर को और क्या करेंगे, अपने मनोरंजन कर रहे हैं। तो मनोरंजन कर रहे जी ताश खेल के। तो अब की बार किसे चुनो जी यहाँ से सोनीपत से? किसको चुने, वोट किसे दे रहे हो? कांग्रेस को। कांग्रेस को भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अच्छा, बीजेपी को क्यों नहीं चुना आपने? रमेश मर्जी है, वोट आप क्या कमियां हैं उसमें? कमियां तो ये देश बता देगा, आपकी बार जनता बता देगी। आप किसे चुने? मैं ठीक कह रहे हो उसमें? ठीक कह रहे हैं भाई। कांग्रेस को चुने? कांग्रेस को चुन रहे हैं, ये इतना राफेल का इतना बड़ा जुगाड़ कर दिया 39,000 उस पर अभी किले। हाँ जी, राफेल पे चोरी की मोदी सरकार। पुलवामा में जो भी अटैक हुआ था 60 किलोग्राम RDS कहाँ से आ गया? ऊपर से पटक गया क्या? पता ना, RDS आ गया 60 किलो गया तो भाई रोड होगा, कैसे पहुंच गया? 5-6 मिनट था, बताओ कहाँ से आ गया भाई? बार मोदी सरकार को बाहर का रास्ता।
खाना ऐसा पब्लिक करेगी वो तो हम तो कर नहीं सकते। आप भी पब्लिक में, हम भी पब्लिक में, हम हमारा हमारा ये है भाई, ये सारे फ्रॉड है। एक एक बार आपकी बार किसे चुने हो जी? सोनीपत सीट से उड्डन है। उड्डन है तो क्यों चुने? उड्डन है 10 साल तो सीएम रहे हो। क्योंकि हमारी मर्जी है। क्या अच्छा लगा उड्डन के लिए? क्या अच्छा है? हमने तो सर हमारा दुश्मन हो, हमने वोटेज के गिरने से बता दिया। अच्छा मोदी बीजेपी को क्यों नहीं चुना? कौन ही गिरते हमें बीजेपी को, देख ली बीजेपी। मेरा नाम जगवीर है भाई साहब। आपकी बार किसे चुने? आपकी बार मोदी सरकार ही है। मोदी सरकार, यहाँ से मोदी के प्रत्याशी, मोदी पार्टी से प्रत्याशी रमेश कौशिक। हाँ जी वो चुने हो। मोदी की जगह कोई भी खड़ा हो मोदी की तरफ से उसी को चुना जाएगा। अच्छा हुड्डा क्यों नहीं चुने? वो सीएम रह चुके यहाँ से। भाई सीएम चोर भी तो हो सकते हैं। अच्छा पूरा रोहतक उसने बर्बाद कर दिया। यहाँ से वोट किसको दोगे? मोदी को। मोदी? अच्छा मोदी को चुने हो या फिर यहाँ पर मोदी प्रत्याशी रमेश कौशिक है, किसके आधार पर वोट जा रहा है? मोदी को। मोदी को? मैं तो भाई कांग्रेसी हूँ। अच्छा कांग्रेस को चुने हो? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अच्छा क्यों पसंद है? भाई हमारे एरिया का, हमारा भाई वो डूम का के कर लेंगे है, बांसो बंदा तड़ी का लोटा उसका के कर लेंगे, तेरे प्रधानमंत्री का जीत जागा उड़े नारी नारी बादशाह के कर दिया उसने है। हाँ जी मोदी सरकार। मोदी को चुन रहे हो? बिल्कुल मोदी का प्रत्याशी यहाँ पर रमेश कौशिक। ऐसा जी नीचे एक से कोई काम कर ही नहीं रहा है, जो प्रधानमंत्री योजनाएं होती हैं उनमें भी यहाँ पूरा नहीं दे पाते, जो विकास के लिए ये यहाँ मिलता है वो भी नहीं होता है। तो अब की बार बीजेपी? बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी तो सुना कोई नहीं आया। मोदी को क्यों चुना आपने? क्यों चुने मोदी? काम करवाए। अच्छा यहाँ पर मोदी को चुने या फिर रमेश कौशिक को? बीजेपी से रमेश कौशिक आएगा और कौन आएगा? रमेश कौशिक के नाम से वोट है या फिर मोदी? मोदी के नाम से। मोदी के नाम से क्या आ गया? वो आ गया बार सोनीपत सीट से हॉट सीट है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने बीजेपी जो प्रत्याशी है वो रमेश कौशिक है। तो आपकी खून का घूट पी के वोट रमेश कौशिक को देनी पड़ेगी भैया, सीधी बात है। कारण ये है मोदी जी। मोदी जी की? हाँ मोदी जी की वजह से हम अपना चुनाव रमेश कौशिक को देंगे, नहीं तो हम हक में उठा के मोदी। हाँ लेकिन मजबूरी है। मजबूरी है हम रमेश कौशिक को जो वोट दे रहे हैं। क्यों क्या मजबूरी है ऐसी? मोदी के लिए बस, हम मोदी को पीएम देखना चाहते हैं बस इसलिए। अगर अच्छा सामने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व सीएम रह चुके हैं। नहीं भैया हम रमेश को इसको रमेश कौशिक मजबूरी में दे रहे हैं बस। मोदी किसको दे रहे हो वोट? मोदी को। मोदी? हाँ क्यों मोदी चुने? मोदी के दीवाने क्यों? बढ़िया काम कर रहा है, एक नंबर का बढ़िया काम कर रहा हो।